बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे संभाल के मुझे रखा है मेरी ग्रेट गुरु मेरी जो सुगंधा लाल मैडम है, उनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से संभाल के बिजनेस में रखा है। ऐसा एक दिन नहीं होता है कि जहाँ पे हम दोनों की बातें नहीं होती है और वो मुझे गाइड नहीं करते। और सेकेंड आता है मेरे हमारे गुरु माता और पिता हमारे विनोद परमा सर, हमारे मैडम परमा मैडम, तो इन्होंने भी बोलते ना कि जिस तरह से बिजनेस को यहाँ पे हमें गाइड किया है, काश ऐसी कोई कंपनी रहेगी पता नहीं मुझे बाहर की कि यहाँ पे इसका गाइड हमें मिलता है बराबर। यहाँ पे मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर। और फिर मेरी ग्रेट लीडर है मैडम, जो उन्होंने बोलते ना जहाँ पे भी सपोर्ट है, जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे पल पल आती है, पल पल सपोर्टिव रहती है वो, तो बहुत थैंक यू मैडम आपका दिल से थैंक यू। देन हमारे जो मेरे मेंटर है अरविंद प्रजापति सर, तो उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोलते ना सपोर्टिव बहुत, यानी बहुत हमारी टीम पूरी की पूरी सपोर्टिव, कहीं पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है कि इतना सपोर्टिव टीम मिलना बराबर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब ये टीम क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और मेरी प्यारी सी टीम, आज मेरी टीम बहुत बड़ी है पर सबका बच्चों का एग्जाम है, कुछ ना कुछ इश्यू है तो इसी वजह से नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, पर बहुत सपोर्ट किया मेरे आए इतने तीन जन बहुत बिजी थे बेचारे, फिर भी आए तो मुझे बहुत दिल से थैंक यू आप लोग के लिए। और एक कुछ तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर टाइम है तो कहूँ क्या मैं, कुछ तो मैंने लिखा था ये सारे लेडीज के लिए थोड़ा सा, कि जो मैंने साहब मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैंने बोल रही हूँ। एक बच्ची जब छोटी होती है उसे कुछ भी पता नहीं होता, ना पिता का कभी स्नेह मिला, ना भाई का कभी प्यार मिलता है, उसे सिर्फ एक ही पता होता है उसकी माँ। माँ ने जो दिया बहुत ही अनमोल दिया, एक अच्छी सोच पढ़ाई का भरपूर ज्ञान, जिंदगी क्या है माँ ने तो ही दिखलाई है। देखते देखते बच्ची कब लड़की हो गई वो पता ही नहीं चला, देखते देखते कब उसकी विदाई हो गई वो भी पता नहीं चला, देखते देखते कब उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली पता ही नहीं चला, देखते देखते कब वो माँ बनी पता ही नहीं चला, परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते वो अपने आप को कब भूल गई वो भी पता नहीं चला, फिर वो अपनी पहचान कब भूल गई वो भी पता नहीं चला। उसने कुछ सोचा भी था, उसके कुछ सपने भी थे, उसे जिंदगी का भरपूर जीना भी था, ये भी पता नहीं था। कहाँ गई वो औरत जिसे हम जानते थे, ये सोचने के लिए भी किसी के पास समय भी नहीं था। यह समय माय लाइफ के पास है, माय लाइफ में आते ही एक उम्मीद फिर से जग गई, देखते देखते बहुत सारे खुशियां ही आई, देखते देखते मान सम्मान नहीं पहचान पाई, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई पर हौसला हमेशा प्रबल रहा। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, एक बात हमें यहाँ पे सीखी है। देखते देखते कोर्स तो मिल गया, अब गाड़ी भी मिलेगी। Yes, thank you.